देखिए झगड़ा यहाँ पे क्या है, ये झगड़ा यतीम खाने का बिल्कुल भी नहीं है, ये झगड़ा यतीम का खाने का है, यतीम का माल खाने का झगड़ा है। और एक तरफ जो है लोग यतीम खाने के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ यतीम खाने के लोग जो है वो लोग यतीम को खाने का उसका झगड़ा है। तो ये झगड़ा को हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे कि यतीम का माल कोई खा ले और हम लोग खामोशी से बैठे रहें। छह लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ स्कूल हो, वो लोग चाहते हैं वहाँ कारोबार बिजनेस हो, ताकि 5 लाख 7 लाख रुपया ऑफिशियली आए और जो कैश आए वो कैश कहते हैं सिलसिला जानते हैं क्या हो सकता है। वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि स्कूल बने यहाँ पे, शादी बड़ी बन जाए, कोई बिजनेस सेंटर बन जाए, और हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम ये कभी भी होने नहीं देंगे जब तक हम हैं इस कमेटी में। मेरी विचार जहाँ तक होगी हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी हैसियत नहीं होती थी कि वो सुल्तान अहमद या इकबाल अहमद साहब के सामने खड़े भी होते, हाथ बांध कर खामोशी के साथ जो है इल्तिजा करा करते थे। आज उनकी बेवा के साथ, आज उनकी बच्ची के साथ इन लोग जो है जुल्म करते हैं। महानगर कोलकाता में यतीमखाना इस्लामिया की पूर्व अध्यक्षा साजदा अहमद के इस्तीफ़ा देने और नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद यतीमखाना इस्लामिया का माहौल गर्म है। आपको बता दें कि बीते 2 अगस्त को पूर्व प्रेसिडेंट साजदा अहमद ने इस्तीफ़ा दिया था और 8 अगस्त को इसे कमेटी के द्वारा मंजूर कर लिया गया था और नए अध्यक्ष के तौर पर अब्दुल मजीद को चुना गया था। अब इस मसले पर साजदा अहमद के सपोर्टरों द्वारा नाराज़गी जाहिर की जा रही है। उनका आरोप है कि बैठक में इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई थी कि साजदा अहमद ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। यतीमखाना इस्लामिया के मेंबर सैयद इकराम हुसैन ने आरोप लगाया कि अब यतीमखाना इस्लामिया में यतीमों का खाने वाले लोग जुड़ गए हैं, जो यतीमखाना इस्लामिया के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। वो लोग चाहते हैं कि वहाँ बिजनेस हो, लेकिन हम लोग कभी खामोश नहीं बैठेंगे, उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इतराज़ की तो बात होनी चाहिए ना, इसलिए कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो इसके पीछे कुछ वजह तो होना चाहिए, वजूहत तो होनी चाहिए। हम लोग देखिए रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है, ठीक है, हम लोग एक ग्रुप तैयार हुए हैं ये पूछने के लिए। हम लोग चाहते थे कि मैनेजिंग कमेटी में बात हो और हम लोग पूछें कि भाई आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया, उसकी वजूहत बताइए आप। इसमें एक ग्रुप तैयार हो गए, उनका कहना है कि भाई जब रेजिग्नेशन दे दिया है उन्होंने तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने से पहले, अक्सर इससे पहले भी देखिए लोगों ने जो है रेजिग्नेशन अपना दिया है, तो हम लोग करते क्या थे, मीटिंग बढ़ा करके इसको पेश करते थे कि भाई ये देखिए ये इन्होंने, जैसे सब कमेटी के चेयरमैन ने भी, उन्होंने भी जो है रेजिग्नेशन दिया था। तो उनके बाद हम लोगों ने क्या किया कि पहले एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में जो है तय हुआ कि भाई नहीं ठीक है, एक टीम बनाई जाए और उनके पास जाके कन्विंस किया जाए कि भाई आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों का कोई भी रेजिग्नेशन देता है तो हम लोग पहले जो है एक टीम बना करके उनके पास भेजते हैं। इनके सिलसिले में जिन्होंने बहुत काम किया, अभी आप देखिएगा जो 2 साल से हालात चल रहे हैं पूरे दुनिया का, ये जो हालात चल रहे हैं इसमें साजदा अहमद जो हमारी सदर हैं उन्होंने बहुत काम किया है और अपने टेन्योर में उन्होंने बहुत काम किया है। तो इस तरह से हम लोग क्यों उनको रेजिग्नेशन अचानक से जो है उन्होंने दे दिया और हम लोग जो है एक्सेप्ट कर लें। उनके टेन्योर में जो है देखिए 6 नंबर से पाक सेक्टर में जो बिल्डिंग बन रही है वो उनके टेन्योर में तैयार हुआ। अभी देखिए टैक्स जो है हम लोग यतीमखाने की जो है लगभग 38 प्रॉपर्टियाँ हैं, उसमें से 19 लाख रुपये टैक्स बाकी था, उसको उन्होंने पेमेंट करवा दिया। गर्ल सेक्शन में काफ़ी काम हुई, गर्ल सेक्शन में जो एंटरटेन के जो है जगह बच्चियों के लिए बनाया गया, टाइल्स लगवाया गया, क्लास 12 का एफिलेशन उन्होंने किया, उनके टेन्योर में हुआ। बॉयज़ सेक्शन में जो है पूरा रेनोवेट का जो है काम, पूरा मकान का जो काम है बहुत खस्ता हाल थी, उनके टेन्योर में हुआ। और भी बहुत से काम है, काम में गिनाऊँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी काम उन्होंने किया है, खाने पीने से लेकर के हेल्थ से लेकर करके साफ सफाई से लेकर के हर लिहाज से उन्होंने काम किया है। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी उनकी आ गई जो 1.5 महीना 2 महीना में जो है इलेक्शन का यहाँ अनाउंस होने की बात है कि इलेक्शन होगा, तो ऐसे क्या दबाव आ गए पीछे से, कुछ है मामला या नहीं, ये हम लोग जानना चाहते हैं साजदा अहमद से, अपने सदर से, कि आखिर क्यों, कौन सी मजबूरी, कौन सा दबाव आपके पास आ गया है जो 2 महीना के पहले जो है इलेक्शन के पहले आप क्यों रेजिग्नेशन दिया, ये हम लोगों का सवाल था। तो हम लोग अपने वाइस प्रेसिडेंट से और जनरल सेक्रेटरी से हमने कहा कि भाई आप जो है इस तरह से आप लोग मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं, हंगामी मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं और इसको जो है पेश करना चाह रहे हैं मैनेजिंग कमेटी में और एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ये तो बात ठीक नहीं है। हम लोग को चाहिए, जैसे हम लोग सिलसिला चलाते रहे हैं, कोई भी किसी भी वजह से जो है रेजिग्नेशन दिया तो हम लोग उससे बात करते थे। तो पहले आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके जो है आप उनसे जा पूछिए
कि आखिर क्या बात है, डेढ़ दो महीने में ऐसा क्या मामला हो गया है जो आप जो है इसको छोड़ देना चाहती हैं, क्या वक्त नहीं है आपके पास, क्या कोई थ्रेड कर रहा है आपको, या कोई मसला है, बताइए हम लोगों को, हम लोग जानना चाहते हैं। और इन लोग कह रहे नहीं अब तो छोड़ दी हैं तो छोड़ दीजिए, और जो है आपको क्या प्रॉब्लम है। हम लोग भाई प्रॉब्लम यही है कि जो आदमी इतना काम किया हो, इतना काम करने के बाद आखिर वक्त में आखिर क्यों छोड़ना चाहिए, कुछ तो वजूहत होगी, तो हम लोग वो वजूहत जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं बस हम लोग जो है यही करेंगे ऐसा करेंगे, और जो है हम लोग रिजेक्शन जो है ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो फिर हम लोग मैनेजिंग कमेटी करेंगे, मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला के बातचीत की जाएगी। और मीटिंग बुलाने का देखिए एक तरीका है, हमारे यहाँ जो बायलॉज है उसका एक तरीका है मीटिंग बुलाने का। ये 24 घंटे में अचानक से इमरजेंट मीटिंग बुला बुला करके इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, हमारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आप लोगों ने कुछ एक्शन वगैरह लिया है कोर्ट वगैरह में? बिल्कुल, देखिए लास्ट मीटिंग जो हुई है गुज़िश्ता कल जो मीटिंग हुई है जिसमें अब्दुल मजीद साहब चुने गए हैं, ठीक है, एक तो उनके जो है सेलेक्ट हुई है, ये भी यतीम खाना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे सेलेक्ट हुई है। हमने एक वीडियो देखा था सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने कहा कि इससे कबल जो है सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद भी शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ किया था, बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ बात है। और उन लोग जो है साजिद अहमद को ले आए, ऐसी बात नहीं है। एक सुल्तान अहमद मरूम का इंतकाल होने के बाद जमील मंजर साहब को जो है प्रेसिडेंट चुना गया, और ये कमेटी ने 60 मेंबर्स, हम लोग जो है मैं ये भी सुना कि 40 मेंबर में जो है 28 मेंबर अटेंड किए, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए हमारे पास लिस्ट है वो जो है 60 मेंबरों का है, 60 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव हैं और 60 मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव में है, जिसमें एक ट्रस्टी का इंतकाल हो गया एस एम मारूफ साहब का, बाकी बचे 59। और वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि 23 लोग वहाँ मौजूद थे, तो बहरहाल 23-28 से मुझे कोई बहस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम लोगों ने किया था, बिल्कुल झूठ। पहले जो है हम लोगों ने जमील मंजर साहब को इलेक्ट किया, उसके बाद जो है जमील मंजर साहब खुद एक भाभी को जाकर के हम लोग से मिल के अपील किया कि आप जो है, मैंने भाभी मतलब वो सदर साहिबा को, हम लोगों ने अपील किया कि आप जो है अदारा में आकर के सदारत करें, क्योंकि हम लोगों की शान की भी बात होगी, जो मुस्लिम ऑफरेज में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगी तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका मिजाज जो हम लोग यहाँ पर्सनली जानते हैं वो गरीबों की मदद करने का और अपने इलाके में बहुत काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बिल्कुल इसमें शक नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है जो 5.5 लाख वोट से उन्होंने जीता है, तो ये मोहब्बत ही है उनकी। तो हम लोग उसी तरह से हम लोग जाके रिक्वेस्ट करके उनको लेकर आए, और अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के दिल में कहीं ना कहीं खटक रहा है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो ये सवाल करने के हम लोगों को राइट्स था, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती जबरन एक मीटिंग पहले 6 तारीख को उन लोगों ने 8 तारीख के मुताबिक बुलाया, 8 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई एक्सेप्ट कर लिया है, और जिन्हें सदर उस वक्त चुनी गई प्रिसाइड करने की मीटिंग को, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 4 वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें हमारे सीनियर मेंबर ने पूछा, 5वां जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने पूछा कि भाई जब आप लोगों ने 4 वाइस प्रेसिडेंट मिल करके इनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ये हाउस में मीटिंग बुलाने का क्या मतलब, फिर आपको मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए, और आप जब उनको फेवर कर रहे हैं तो आपको तो ये सदारत भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हंगामा शुरू हो गया, और उन लोगों ने क्या किया, जब हंगामा शुरू हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोग थे, हम लोग बहुत लोग ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उन लोग किसी का भी नहीं सुने, मिनट बुक वगैरह, साइनिंग बुक वगैरह और रिजेक्शन लेटर जो है उठा करके लेकर के लोग सेक्रेटरी के रूम में चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने जो किया है वो सबके सामने आ गया। उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग बुलाई, 24 घंटे का भी टाइम इन लोगों ने नहीं दिया, 7:36 में व्हाट्सएप में मैसेज भेजा कि कल जो है मीटिंग है 7 बजे, ठीक है भाई मीटिंग है। तो हमने क्यों उनको बहुत अपील किया, सेक्रेटरी साहब को, ट्रेजर साहब को, अपने ट्रस्टी साहब को, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं वो मीटिंग तो होगी। तो फिर हमने जो है ये एक लेटर है ये हाईकोर्ट का, हमने कल केस कर दिया उनके ऊपर, केस करके जो है उन लोगों को फिर भी हमने ये लेटर भेजा पहले कि देखिए ये जो है ये नोटिस है आपको हम भेज रहे हैं, ये जो है फाइल किया है हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस, मैंने पर्सनली किया है ये केस, तो आप जो है लिहाजा ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दें, मीटिंग ना बुलाएं, नहीं तो कोड ऑफ कंडम होगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, एक हठधर्मी और एक मिजाज बनाए हुए हैं कि हम लोगों को ये काम करनी है, उन्होंने वो काम किया, इलीगल तरीके से किया है, हम लोग जो है मीटिंग को बॉयकॉट भी किया है। झगड़ा क्यों, बताइए
देखिए झगड़ा यहाँ पे क्या है, ये झगड़ा यतीम खाने का बिल्कुल भी नहीं है, ये झगड़ा यतीम का खाने का है, यतीम का माल खाने का झगड़ा है। और एक तरफ जो है लोग यतीम खाने के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ यतीम खाने के लोग जो है वो लोग यतीम को खाने का, उसका झगड़ा है ये। तो ये झगड़ा तो हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे कि यतीम का माल कोई खा ले और हम लोग खामोशी से बैठे रहें। छः नंबर में देखिए खास के जो है ये बुनियादी जुड़े हुए क्या यतीम का खाना खाना चाह रहे हैं। देखिए लगता तो ऐसे ही है, ऐसा इसलिए लगता है कि छः नंबर सैयद साले लेन में जो मकान बन रही है ये झगड़ा असल में वहीं से शुरू हुआ। वहाँ पे हुआ ऐसा कि जब सब कमेटी के चेयरमैन जी छोड़ दिए, रेजिग्नेशन दे दिए, 6 महीना 8 महीना उनके इंतजार करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद ये काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैं चेयरमैन हूँ सब कमेटी का, वो एडमिशन डिस्चार्ज और मैरिज का। तो हम लोग मुझे कहा गया कि भाई जो इकराम तुम जो है ये भी काम देखो और इसको जो है जिम्मेदारी के साथ में ये काम करो, ताकि जो है वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी में एक पहले तय हो चुका था कि वो जो है हाई रेट पे दी जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद बहुत बड़ा बोर्ड लगा वहाँ पे कि रेंट पे डाल दी जाए इसको। रेंट पे देने के बाद हमने एक मशवरा दिया एक कमेटी से, हम लोग अपनी कमेटी को मीटिंग बुला करके हमने कहा ये मेरा मशवरा है कि वो रेंट में ना दे करके गर्ल्स सेक्शन का एक और स्कूल हम लोग ईजाद करें। हाई एक ही फजूलक यहाँ चल रहा है, लगभग 1800 बच्चियाँ पढ़ रही है, ये मिल्लत की बच्ची पढ़ रही है, कौम की बच्ची पढ़ रही है। तो अगर पाक सकत जैसे जगह में खो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए होगा, मुसलमान की बच्ची पढ़ेंगी वहाँ पे। ये झगड़ा यहाँ से शुरू हो गया। वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ स्कूल हो, वो लोग चाहते हैं वहाँ कारोबार बिजनेस हो, ताकि 5 लाख 7 लाख रुपया ऑफिशियली आए, जो कैश आए वो कैश कहते हैं सिलसिला जानते हैं क्या हो सकता है। तो ये असल में चक्कर है, वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल बने यहाँ पे, शादी बड़ी बन जाए, कोई बिजनेस सेंटर बन जाए। और हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम ये कभी भी होने नहीं देंगे जब तक मेरे हम हैं इस कमेटी में। मेरी बिसात जहाँ तक होगी हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, चाहे जैसे भी हो वहाँ हम स्कूल कायम करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है? असल में देखिए आज हमारे एक ट्रस्टी से बात हुई, सीनियर मोस्ट ट्रस्टी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी देर गुफ्तगू हुई। तो होने के बाद जो है मैंने बताया उनको सारे हालात, उन्होंने भी बताया, बहुत देर हम लोग बात किए। बात करने के बाद मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, आप एक बात बताइए कि हम सब जो अदारे में हैं तमाम लोग, क्या हम लोगों का मोहसिन इकबाल अहमद सुल्तानाबाद नहीं रहा? उन्होंने इकरार किया कि बिल्कुल हम सब के जो है एहसानात उनके एहसानात हम सब पे है। तो हमने कहा कि आप एक बात बताइए, जो लोग जितने भी लोग वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी हैसियत नहीं होती थी कि वो सुल्तान अहमद या इकबाल अहमद साहब के सामने खड़े भी हो जाएँ, हाथ बांध कर खामोशी के साथ जो है इल्तिजा करा करते थे। आज उनकी बेवा के साथ, आज उनकी बच्ची के साथ इन लोग जो है जुल्म करने के लिए खड़े हो गए, और ये जुल्म ही है। मैं जब पूछा उनसे कि मैं रेजिग्नेशन का जवाब चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा कि 28 लोगों ने जो है साइन कर करके उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही। और उन्होंने पर्सनली साजदा अहमद भाभी को, मानी सदर साहिबा को, जब दिल्ली में सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, उसमें उन्होंने उनको डिस्टर्ब करके कहा कि भाई आपके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो आप इसमें क्या कहती हैं, इसमें मीटिंग करनी है। तो वो बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत मायूसी के साथ उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है। अब तक जो हमें खबर मिली है, जो इनसे आज ही बात हुई मेरी ट्रस्टी साहब से, तो ट्रस्टी साहब ने जो कहा, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों की हैसियत नहीं थी वो लोग जो है इस तरह से आज जुल्म कर रहे हैं उनकी फैमिली के साथ, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। और ये एहसान का बदल सिर्फ एहसान हो सकता है, ये दगाबाजी जो कभी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और कहनी थी, ये जो हमने कोर्ट का नोटिस उनको भेजा है, ये नोटिस जो है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, हमारे जो संविधान हम लोगों के जो बना हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उसके खिलाफ मीटिंग जो बुलाई गई है, मैंने उसके खिलाफ जो है ये कोर्ट को बताया है और कोर्ट केस किया है कि जिस तरह से लोग जो 24 घंटा के अंदर जो मीटिंग बुला रहे हैं, ये एक्चुअली में मीटिंग नहीं बुला रहे। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस जीपे एंड फोन पे 9831060581।